किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। हम मिलते हैं तो इधर बुरा लगता है, ये मिलते हैं तो मजा आता है। आप जाति जड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जड़ना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। हम बीजेपी में जाते हैं तब हमको कहा देते हैं तलाक, तो हम कबूल कर लिए वर्मा जी, हमने कबूल कर लिया। कई बात करें अच्छा नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी बात की बात, लेकिन ये बताइए क्या आप जाति जड़ना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे कितने अच्छे लग रहे मंत्री बने हुए इसी मंत्री के लिए गए थे वहां? 5 करोड़। नहीं, नाव मिलना ठीक है, नाव के लिए सर। क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जड़ना चाहते हैं? जाति की बहुत से साथी कह रहे हैं जाति, तहसील में ठप्पा मार मार के इधर की भी सरकार, उधर की भी सरकार, इधर की भी सरकार, ठप्पा मार के तहसीलिया में तो लिख के देते हैं तहसीलदार कि भैया आप घर हो, आप चमार हो, आप धोबी हो, धरिकार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, अगर जाति खत्म करना चाहते हो तो पहले तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बंद करो, तब जाति प्रथा बंद होगी, जाति व्यवस्था उसके पहले नहीं बंद हो सकती है। ये ओम प्रकाश राजभर का मानना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस नाते गिनती नहीं है, बंजारा की गिनती नहीं, बड़ी चर्चा किया मैं ये अर्कबंशी की, तो किसी तरह एक अर्कबंशी जीत के चला आया। बीजेपी के लोगों को लगा कि अर्कबंशी तो राजभर के साथ जा रहा है, इनका बिरादर है, तो अर्कबंशी को टिकट दे दिया। बंजारा का करेगा, बारी का करेगा, बिहार का करेगा, आरक का करेगा, नाई गुण का करेगा, लोहार का करेगा, पाल प्रजापति कुम्हार कश्यप का करेगा। इनको हिस्सेदारी नहीं मिलती गिनती न होने के नाते, इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, जब तक गिनती नहीं होगी चाहे किसी की सरकार हो तब तक उनके मानक के हिसाब से उनको बजट ऐलान नहीं होगा। ये ओम प्रकाश राजभर 20 साल से चिल्ला रहा है, और यहां हूं, यहां भी चिल्लाऊंगा, वहां रहूंगा वहां भी चिल्लाऊंगा, उधर जाऊंगा तब भी चिल्लाऊंगा, अपने हक के लिए चिल्लाता रहूंगा, अपना चिल्लाता रहूंगा। इस नाते हम अपने साथियों से कहूंगा, समाजवादी पार्टी के भाइयों, देखो क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात। आप लोग उबाल में आ जाते हो, यही दुर्गति का कारण है आपका। आप तुरंत उबाल में आ जाते हो, यही दुर्गति का कारण है। ये ओम प्रकाश राजभर है, 47 से गिनती बढ़ा के 125 कराने में अगर भूमिका निभाया, एक नंबर को ओम प्रकाश राजभर निभाया, इसको मत भूलिएगा। और नहीं सुनो भाई, देखो जीत का यही तो बात है, इसी नाते आप लोग फेल हो रहे हो। यही वजह है कि जैसा कि हमारे साथी ने मंत्री जी ने कहा, यही वजह है कि छोटों पर ध्यान नहीं देते हो आप लोग। जब सरकार 4 बार आपकी थी, आप बताओ अगर हम बोले तो आपके साथ जुल्हा दुनिया, अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख, सैयद पठान, कितना हिस्सा दिया, कितना हिस्सा दिया? छोड़ दो राजभर को, पाल नाई बोर्ड कुमार निषाद केवल मल्ला को छोड़ दो, उनको क्या किया? वोट तो लोगे, वोट तो उनका लोगे, लेकिन हिस्सेदारी नहीं। डरवाओगे कि भाजपा लील जाएगी, भाजपा लील जाएगी, दिया क्या? आजादी के समय नौकरियों में आजादी के बाद 38% मुसलमान था, आपने इतना विकास किया, कांग्रेस ने इतना किया, बसपा ने इतना किया, मान्यवर 1% बेचारे रह गए नौकरी में। भाजपा ने तो 2-2 मंत्री बना दिया दिल्ली में। अरे हमको हटा दे, हमको चिंता नहीं। देखो भैया, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं मंत्री बनने के लिए नहीं, मैं एमएलए बनने के लिए नहीं, मैं सांसद बनने के लिए परेशान नहीं हूं, परेशान अगर हूं तो सामाजिक न्याय के लिए परेशान हूं। हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए, इसके लिए परेशान हूं। आपने अन्याय किया है 4 बार की सरकार में, आप बता दो ना, आप बता दो हमको कितना आपने दिया आपस में, यही आपके पसंद का कारण है। इस तरह मेरे साथ कर रहे हो, 38% आबादी पिछड़ों की है पूरे उत्तर प्रदेश में, 38%। ओम प्रकाश राजभर को पता कर लेना, सुन रहा है कि आप क्या कर रहे हो।
ओम प्रकाश के साथ क्या सलूक हो रहा है, ये आज गलत संदेश अपने लिए दे रहे हो, ये मत सोचो। गांव में हम लोग घर घर घूमते हैं, हम लोग चट्टी चौराहों पर, हम लोग वो नेता नहीं है कि हम आए सदन में, यहाँ आ गए हैं विधायक बन के तो बैठ करके हम मलाई खाएं, हम यहाँ सदन में आकर के मजा लें, ऐसा हम नहीं करते। हम यहाँ हैं, हम 50 आदमी गांव में जाके भी बैठा के सुनते हैं, उनको सुनाते हैं। इस नाते माननीय अधिष्ठाता महोदय आपसे मैं इतना कहूंगा कि देखिये संसदीय कार्य मंत्री जी, फिर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, कई बार आश्वासन आप भी दे चुके, कई बार आश्वासन आप भी दे चुके, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दे चुके, और 9 प्रांतों में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू है, आप पता कर लीजिएगा, इसको लागू करिए। अगर आप उधर जब आप इधर थे मान्यवर, याद करिएगा, तब आप यही कहते थे कि एक जाति का लाभ हो रहा है, शेष का अन्य शेष के साथ अन्याय हो रहा है। आप क्या कर रहे हो आज? इधर बैठे थे तब तो लग रहा था कि एक जाति का काम हो रहा है, और जब उधर बैठ गए हो तो मान्यवर थोड़ा उस बात को आप ध्यान कर लो कि जो बात आप यहां बैठ के कहते थे। मैं भी यहां तो नहीं था, लेकिन आपकी आवाज टेलीविजन अखबार मैगजीन में सुना करता था। इस नाते आपसे फिर निवेदन करूंगा, और हमारा जो ज्वलंत इशू है 11 मार्च 2022 का, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, किसी को ध्यान नहीं, लेकिन जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला उन्होंने कहा था कि करूंगा, जांच हो रही है, 13 जिले में जांच हो गई है, और अभी 12 जिले में जांच होनी है। आपसे निवेदन है माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा, उसमें थोड़ा तेजी ले आइए, उसमें तेजी ला करके यहां से रिपोर्ट खाली भेजवा दीजिए, दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर लड़कर के वहां करा लेगा, उसकी चिंता हमको नहीं है, उसकी चिंता आपको भी नहीं करनी है, लेकिन वहां के लिए प्रस्ताव खाली भेजवा दीजिए। इस नाते हमारा और बहुत नहीं हम बोलते, हम खाली सिर्फ इतना आपका ध्यान करना चाहूंगा, हमारी विधानसभा जहूराबाद है, हमारे यहाँ विधानसभा जहूराबाद और खंड 3 है, हम सभी अपनी विधानसभा में माननीय अधिष्ठाता महोदय मंत्री जी को तो 21 मिनट दे दिया, और कम से कम 2 मिनट बढ़ा दीजिए, अपनी बात समाप्त कर ले, 2 मिनट बस 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 मान्यवर एकदम आखिरी है। हमारे विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में खंड 3 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार मिलकर के नरक मचा दिए हैं, एकदम नरक मचा दिए हैं। पूछिए तो कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, हम जो चाहेंगे वही होगा, जरा जांच करा लीजिएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, नहीं तो यहां से जाने के बाद फिर उसी सड़क पर फिर फरसा लेके हम भिड़ जाऊंगा, सड़क ये खंड के किनारे कर दूंगा, ये कला हमारे पास है। और दूसरी चीज माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, एक तहसील हमारे यहां है कासिमाबाद, उसमें अग्निशमन केंद्र भी नहीं है, और वहां किसानों को असुविधा है, किसी के यहां कोई आग लगी या कोई घटना हो जाती है तो जो वहां केंद्र न होने के नाते दूर से आना पड़ता है, तब तक घर मकान जल जाते हैं। तीसरा है मान्यवर, तहसील कासिमाबाद में राजकीय बालिका महाविद्यालय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी राजभर जी से सब लोग दोस्ती करना चाहते हैं तो जरा नजर उठाइए, बजट बहुत आ रहा है, बड़ा बजट पेश हुआ है, अब बजट पे बताएंगे, इसमें तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना कहूंगा कि माननीय वर्मा जी संसदीय कार्य मंत्री उधरिया वाली सिटिया पे थे तब आप थे, लेकिन प्रभु 4 साल से इधर मैं बैठा हूं जी, एक बार भी आपकी पार्टी ने इधर के लोगों को नेताओं को कभी बैठा के एक कप चाय भी पिला के बात नहीं की, ये इतना बड़ा डर है मुझे। कम से कम ये तो पूछ लेते कि जैसे माननीय अखिलेश यादव जी खड़ा होकर कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी बताओ, 8 महीना उनके साथ थे, हमारी पार्टी का नाम है पता नहीं, 8 महीना थे पार्टी का नाम में पता नहीं, हमसे पूछ रहे पार्टी का नाम बताओ, अरे हम आपकी पार्टी का नाम रोज रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो वर्मा जी आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हो, कम से कम हमको मत पिलाना, इन लोगों को तो भी पिला दो, कम से कम इतना तो करो भाई, आप एकदम हम लोगों को लगता है कि सत्ता पक्ष की तरफ, अरे भाई ये कांग्रेस के हैं, ये बसपा के हैं, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी हम लोग अलग अलग दल के हैं, कृपया समाप्त करें।
माननीय अधिष्ठाता महोदय देखिए फिर यही सुनती है, ये खुदा नहीं पिलाए, चलिए कब चाहिए अपना कबो नहीं पिलाए, आप समाप्त करें, चाय की व्यवस्था करवाई दी जाएगी, कुछ करिए भाई। अच्छा अधिष्ठाता महोदय देखिए आखिरी मात्र दो लाइन, उधर और इधर, जब ये गोल उधर रहती है तो वो गोल वाले कहते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण पुलिंदा है, कोई चीज नहीं है, और जब उधर थे तो एक राज्यपाल से वही अभिभाषण पढ़ाते थे, खूब मेज बजाते थे, और उधर वाली गोल कहती थी कि ये राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है, हमारे समझे में नहीं आता कौन सही का पुलिंदा है। कम से कम इतना तो हम लोगों के पास होना चाहिए कि भाई महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो बात कही उसको सुनना चाहिए, सुन करके उस पर हम लोगों को चर्चा पर चर्चा पहले ही ठान लेते कि नहीं हम विरोध करेंगे, भाई विरोध के लिए अगर हम लोग पैदा हैं तो विरोध करिए, विरोध से कुछ नहीं मिलने वाला है, जनता सब जानती है। इस नाते हम पुनः आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं, और पुनः माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं इसको आप जरूर देखवा लीजिएगा,